लेकिन बार बार इस तरीके की बातें होती हैं कि जो बीजेपी बीजेपी भी है वो भी सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की भी रहती है जहाँ पर वो मटीरियली और कल्चरली दोनों छोटे छोटे ब्लॉक्स जितने भी कास्ट के हैं उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी काफ़ी पेनिट्रेट कर चुकी है अपने सोशल इंजीनियरिंग में तो क्या अब जो जो कांग्रेस की जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं ये कोशिश कई सालों से चल रही है और जिस तरीके से ऑलरेडी बीजेपी पेनिट्रेट कर चुकी है तो क्या ये एक चैलेंज नहीं होगा कांग्रेस के लिए या जो नैरेटिव अभी जो मौजूदा नैरेटिव है कांग्रेस का और जो स्टाइल है उसमें आपको लगता है कि वो सक्सेस आपको मिलेगी देखो बीजेपी इस बारे में कोई दो नहीं है कि उन्होंने आर ने सोशल इंजीनियरिंग पे काम किया और पिछले दस बीस सालों पंद्रह बीस सालों के अंदर काफी काम किया है छोटे छोटे माइक्रो कास्ट को उन्होंने लेकर अपनी पोजीशन को रीडिफाइन किया है लेकिन उनकी अप्रोच में कांग्रेस की अप्रोच में एक बेसिक फर्क है जब बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करती है तो वो कास्ट को उसकी आइडेंटिटी को बढ़ावा देकर उसको रिटेन करते हुए उसको एक कास्ट स्ट्रक्चर में उसकी जगह को सुरक्षित रखते हुए करती है उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये है कि इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो बनी रहे आर ने आज तक कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली जिसमें कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं ये बात कही हो तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग इसलिए है कि छोटी छोटी सब कास्ट को वो अपने साथ रखें ताकि वर्ण व्यवस्था को और मजबूत कर सके कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग इसलिए करती है कि जो 1931 से हमने शुरू किया था कराची रेजोल्यूशन में जो संविधान सभा के अंदर बात पूरी थी और जो पिछले पचहत्तर साल में लोगों ने देखा कि कास्ट कोई भी हो आपका जो अधिकार है वो सेम होंगे आपको अपॉर्चुनिटी सेम होगी और अगर आप उन कास्ट से आते हैं जो हिस्टोरिकली पिछड़ी रही हैं तो उन कास्ट को बराबर की अपॉर्चुनिटी तक लाने के लिए उनको काबिल बनाने के लिए उनको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है रिजर्वेशन केवल भारत में नहीं है ना यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुनिया के 80-90 परसेंट देशों के अंदर जो हिस्टोरिकली दबी हुई जो समुदाय होते हैं उनके लिए एफॉर्मरेटिव एक्शन किया जाता है

RSS का लॉन्ग टर्म व्यवस्था को मजबूत करना है ये उनका हर अपर कास सपोर्टर जानता है, और इसीलिए वो कांग्रेस को आज की तारीख में नापसंद भी करता है एक हद तक क्योंकि वो मानता है कि कांग्रेस ने पचहत्तर सालों में जो काम किए थे उससे वर्ण व्यवस्था कमजोर हो रही थी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर